हेलो एवरीवन वेलकम टू टुडेज वीडियो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत मार्केट का हाल इसके अलावा हम बात करेंगे कि यार क्रिप्टो में इतने सारे हैक्स क्यों रहे हमने देखा हाल ही के दिनों में कम से कम तीन से चार यहां पे हुए हैं है तो इन के पीछे का एक सीक्रेट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो शायद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जस्ट टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट तो चलो चलते हैं, के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एज यूजल हम स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के फोर आर चार्ट से एंड फोर आर के चार्ट पे हमें देखने को मिलेगा दैट बिटकॉइन जो है स्टिल पे खड़ा है फ्राइडे से लेके अब तक रीजन क्या है उसका यूएस के मार्केट्स बंद रहते तो हैं ट्रेड पे तो हमने अपना का ट्रेड जो है, यहां पे में जो है एक छोटा एक्सपेक्टेड है, है इस एरिया पे पहुंच गया मैंने आपसे बात करी थी दो वीडियो पहले की यहाँ पे जो है हमें हल्का बाउंस देखने को मिल सकता है एसपीएक्स में बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके बाद इस बाउंस के बाद जो है मार्केट का कंडीशन जैसा रहेगा क्या मार्केट यहां पे थोड़ा पॉजिटिव न्यूज लेता है ऊपर जाना स्टार्ट करता है फिंच की डाउनग्रेड के बाद जो है काफी नुकसान हुआ मार्केट में लेकिन अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर पाता है देन वी कैन अगेन स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव तो ये चीज है जिसका मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ तो करेंटली मार्केट साइड से मैंने अपने शॉर्ट्स जो है सारे बंद कर दिए हैं लॉन्ग्स में अभी नहीं ले रहा हूं बिकॉज आई डोंट नो कि यहाँ पे कितना इफेक्ट इसका होने वाला है थोड़ी सी मार्केट ओपनिंग होगी एक दो दिन में थोड़ा मार्केट स्टडी करूंगा उसके बाद ही मैं यहाँ पे जो है नए ट्रेड्स लूंगा अगर हम बाकी साइड देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है यहाँ पे ऊपर ही जाया जा रहा है फिफ्टी पे अभी है एंड आई थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस पे एक स्मॉल शॉर्ट बनने का टाइम जो है नजदीक आ रहा है उसका रीजन है कि ईथ बी को अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें ईथ बी के डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो हम एक अपवर्ड ट्रेंड पे यहाँ पे हैं एंड अगर हम यहां से ब्रेकआउट लेते हैं दिस एरिया अराउंड जीरो पॉइंट जीरो सिक्स फोर पर अगर हम एक ब्रेकआउट लेते हैं तो डोमिनेंस वहां से फॉल करनी स्टार्ट कर सकती है तो इस पर आपको ध्यान रखना है अगर आप डोमिनेंस यहाँ पे शॉर्ट करने की सोच रहे हो इसके अलावा अनदर थिंग टू कीप इन माइंड इज डिक्सी डिक्सी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था इसका इनवर्स कोरिलेशन होता है बिटकॉइन से तो अगर डिक्सी ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन यूजली नीचे जाता है तो डिक्सी भी जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आया था लेकिन यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला फिंच डाउन ग्रेड के बाद नाउ विल हैव टू सी कि क्या ये सपोर्ट के ऊपर रह पाता है और वेदर इट गोज डाउन अगर ये नीचे जाता है तो दैट विल राइज किया है तो इसको आपको जो है ध्यान में रखना है इसके अलावा बात करते हैं अगर मार्केट्स की तो यूएस का मार्केट हल्का बहुत पॉजिटिव लग रहा है लेकिन आई विल बी वेटिंग स्टिल बिकॉज यहां पर कोई भरोसा नहीं है कि, कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा इट्स बेटर टू वेट एड आउट देन टेक अ लॉस यहाँ पे मार्केट्स कंडीशन बहुत ही ज्यादा स्लो है तो इधर उधर कहीं पर भी जा सकता है तो बेटर है कि यहां पर हम इसको वेट आउट करें अब बात करते हैं ब्राइस टोकन की तो बिट का ब्राइस टोकन हाल ही में आपने इसको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा देर वॉज अ पेड प्रमोशन जो कि काफी सारे यूट्यूबर्स ने करा लेकिन कुछ टाइम पहले ही ब्राइस टोकन का प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे गिर गया देर वॉज अ मैसेव डाउन टर्न ऑन दिस फिफ्टी से भी ऊपर ये यह यहाँ पे गिरा है एंड प्राइस अकेला नहीं है देर वॉज ऑल्सो हैक ऑन कर्व फाइनेंस जिससे सीआरवी का टोकन गिरा है और भी बहुत सारे हैक जो है आपको लास्ट वीक लास्ट मंथ दिखे होंगे एंड यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन सामने खड़ा करता है कि ये जो इतने सारे हैक्स हो रहे हैं क्या ये एक्चुअली हैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ हैक्स एक साथ होना एट द वेरी क्रूशल स्टेज जब बिटकॉइन क्लाइम कर रहा था एंड उसके साथ साथ मार्केट जो है नीचे भी खींच देते हैं ये हैक्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे डेड हो जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि टीम्स जो हैं प्रोजेक्ट की टीम्स जो हैं ये हैक्स यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट कराती हों बाय पार्टनरिंग विद एन आउटसाइड पार्टी ताकि वो सामने से तो उसको हैक दिखा दे लेकिन वो उसके साथ साथ जो है अपने टोकन यहाँ पे डंप कर सके मैसेव सेल ऑफ में वो पार्टिसिपेट कर सकें तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हो आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया आपने बहुत सारे टोकन अनलॉक्स कर दिया

तो टीम को यहाँ पे कोई इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करता है लोग हैकर को ही ब्लेम करते हैं एंड इतने सारे हैक्स एक साथ होना जो है मुझे काफी ज्यादा शक की निगाहों से देखना पड़ रहा है तो बी सेफ आउट देयर कोई भी यूट्यूबर का रिकमेंडेड टोकन बाय करने से पहले प्लीज थोड़ी बार सोचो बहुत लो, सारे लोग जो है स्पॉन्सर्ड पोस्ट करते हैं लेकिन उसको सामने से बोलते नहीं है कि यह स्पॉन्सर्ड पोस्ट है तो उससे थोड़ा बच के रहो बिकॉज अल्टीमेटली इट्स योर मनी यू आर इन्वेस्टिंग बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कुछ खास अपडेट्स नहीं है आज बिकॉज मार्केट मूव का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं जल्दबाजी मैं नहीं करना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव टू मेक अ वीडियो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक्स वाई जी ट्रेड ले लो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच इन दिस मार्केट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आल सी यू द नेक्स्ट पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल टीम रगो मैं बैर निकटी जाता मुझको खून बचले बेटा मौत कमिंग सुन तेरे हु बहू रहते मेरे रू बहू छीन तेरी रूह